मॉर्निंग स्टूडेंट आज की क्लास में हम स्टीरियो केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? इसको हिंदी में हम लोग त्रिविम रसायन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिविम रसायन। तो कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी रासायनिक आणविक सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। तो उसके आधार पर इसको हम लोग दो क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं। जैसे मैंने बोला C4H10O, तो जब मैंने इस तरह इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया तो इसका जब संरचना बनाते हैं तो इसमें कार्बन की संख्या 4 आती है, 1, 2, 3 और 4। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 10 है। तो इसको हम लोग इस तरह CH3CO मान लीजिए करते हैं, तो 3, 3, 6, 7, 8, 9 और 10 है ना। तो अगर इस तरह करते हैं CH2 और ये CH2OH कर देते हैं, एक अल्कोहल बना लेते हैं, ठीक है। OH है मतलब O है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दूसरी इसकी संयोजकता होगी। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन हो रहे हैं, 3, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये क्या हो गए? हाइड्रोजन की संख्या 10 हो गई, कार्बन 4 हो गए और ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखते हैं CH3CH3O CH2CH2। तो क्या आएगा? CH2CH2। तो 1, 2, 3, 4 हो गया, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 है ना। तो यहाँ पे भी देखिए 10 कार्बन की नंबर 4 है, हाइड्रोजन की नंबर 10 हो गई, ऑक्सीजन 1 है। लेकिन यहाँ पे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया ना, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया है। तो इस तरह से हम लोग अपनी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो स्टडी करने से मिलता है कि मॉलिक्यूल्स को इसमें कुछ भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री स्पेशली ब्रॉड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील द स्टडी ऑफ